अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ, आपका यूनिट इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। इन पॉइंट्स का, अगर ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हों, अगर एक लाइन सेगमेंट हम बनाते हैं तो इनमें आपको ये जो ए बी पॉइंट दिए जा रहे हैं, ए पॉइंट है 9.2 और बी पॉइंट अगर 7.2 है, तो इन पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट यानी इस लाइन पे जो सेंटर पॉइंट आ रहा है, मिड पॉइंट, ये हमने फाइंड करना है। अब आपको ये आइडिया होगा कि पिछली एक्सरसाइज से कि जब भी एक पॉइंट गिवन होता है हमें, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो कोऑर्डिनेट होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, फिर सेकेंड में हमें जो दिया जाता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसी तरह ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है। यानी ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी पॉइंट आपको गिवन होगा तो फर्स्ट जो नंबर होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और सेकंड नंबर वाई कोऑर्डिनेट होगा। कभी भी वाई कोऑर्डिनेट पहले नहीं लिखा होता, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ही पहले लिखा होता है। ठीक है, आपने जब मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है, अब मिड पॉइंट हमने चूँकि लेना है तो हम इसको हमेशा एम से डिनोट करेंगे। पॉइंट्स को कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट किया, जैसे ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट, तो हम लिखते हैं कि लेट मिड पॉइंट इज एम, मिड पॉइंट एम है। और वो मिड पॉइंट आपने जब फाइंड करना होता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला आपके पास इस तरह है कि ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट, उसकी एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स ए, यानी ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, उसमें ऐड करना है बी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को, जिसको हम एक्स बी कहेंगे। अब चूंकि ये कैपिटल ए कैपिटल बी था तो इसके साथ जो ए बी लिखना है वो भी कैपिटल लिखना है। फ्रैक्शन देनी है और फ्रैक्शन के नीचे आपने टू लिखना है, देन कॉमा प्लेस करना है। अब क्योंकि मिड पॉइंट भी तो एक पॉइंट होना है, अब जैसे ये दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं तो इनके दरमियान कॉमा है ना, तो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के दरमियान भी कॉमा प्लेस करना होता है। अब वाई यहाँ पर आपको पता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके टू से डिवाइड करवा दिया। ये फार्मूला जब इसका सेकंड पार्ट बनेगा उसमें वाई ए यानी ए पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट प्लस बी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई बी, और फ्रैक्शन के नीचे अगेन टू यानी डिवाइड टू करना है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स ए क्या है, यानी ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 9 प्लस बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 7/2 ब्रैकेट में, प्लस वाई ए क्या है, यानी वाई का कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 2 है, प्लस या बी का बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है, डिवाइड 2। अब 9 + 7 किया 16/2, कॉमा 2 + 2 4/2। अब यहाँ पे डिवीजन चूँकि पॉसिबल है, 2 8 16 8 आ गया और वाई कोऑर्डिनेट इसका 2 आ गया, तो ये हमारा मिड पॉइंट एम फाइंड हो चुका है। एम इंटू 8, 2 ये मिड पॉइंट हमें फाइनली मिल गया। नेक्स्ट पार्ट डी में आपको अगेन ए और बी पॉइंट्स गिवन है, इनके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेट मिड पॉइंट इज़ एम, अगेन इसके लिए भी हम एम मिड पॉइंट ही कहेंगे, दैट इज़ एक्स ए प्लस एक्स बी बाई 2, कॉमा वाई ए प्लस वाई बी बाई 2। ये फार्मूला लिख लिया। अब एक्स कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे -4, यहाँ पे -4 यानी -4 -4/2 होना है, और वाई कोऑर्डिनेट 9 -3 यानी 9 -3/2 हो जाएगा, -4 -4 -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस किया जाता है, और 9 - 3 आपके पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आंसर आपका आ गया, मिड पॉइंट जो आपको मिला है वो 2 4 8 तो -4, 2 3 6 तो 3, ये आपके पास फाइनली आंसर है। नेक्स्ट एफ पार्ट में ए 0 0 दिया है जबकि बी 0 -5 दिया हुआ है। लेट मिड पॉइंट इज एम, और ब्रैकेट में एक्स ए प्लस एक्स बी बाई 2, कॉमा वाई ए वाई बी बाई 2। अब यहाँ पे चूंकि ऐड करना है एक्स कोऑर्डिनेट्स को, तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों जगह 0 है, यहाँ पे 0 + 0/2 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 इधर है और जबकि यहाँ पे -5 है, तो वो 0 - 5/2 लिखा जाएगा। अब 0 + 0 0/2 हो गया, 0 + 0 0 ही होता है, और 0 - 5 - 5 होता है, तो -5/2 होगा। अब यहाँ पे आपके पास 0 ही आ गया, 0 / 2 0 होता है, और -5/2 -5/2 किया तो आपके पास 2.5 आ रहा है,
और चूंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस साइन यहाँ भी हम लगा देंगे और पीछे एम लिख देंगे क्योंकि ये हमारे पास मिड पॉइंट यानी एम आया है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, यानी लाइन सेगमेंट आपके पास पी क्यू है, इस पे जो एंड पॉइंट पी है वो है आपके पास माइनस थ्री सिक्स, यानी जो पी आपको गिवन है ये माइनस थ्री सिक्स गिवन है, एंड इट्स मिड पॉइंट इज फाइव एट, यानी इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट एम था वो आपको यहाँ पे मिला हुआ है फाइव एट। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट एंड पॉइंट क्यू, यानी क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक्स क्यू वाई क्यू लिखा जाएगा, ऐसे ही है क्योंकि ये क्यू के पॉइंट्स हैं, तो एक्स क्यू वाई क्यू ये हमने फाइंड करने हैं कि ये क्या थे जिसके ऊपर ये फार्मूला लगा और मिड पॉइंट ये आया था। सो हमें तो जस्ट मिड पॉइंट का फार्मूला पता था कि मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आते थे फार्मूला के थ्रू, एक्स ए प्लस एक्स बी बाई टू वाई ए वाई बी बाई प्लस वाई बी बाई टू। अब हमने लिखना है एज एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट एम गिवन बाय मिड पॉइंट एम का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिल सकता था, ये आपको यहाँ पे गिवन है फाइव, ये कैसे मिला होगा जब यहाँ पे जो माइनस थ्री है और यहाँ पे क्यू का एक्स क्यू है ये दोनों ऐड हुए होंगे और डिवाइड किया गया होगा टू से, ठीक है। सो टू और फाइव यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्स क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी और फाइव यहाँ टू डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो फाइव मल्टीप्लाई टू हुआ इक्वल टू माइनस थ्री प्लस एक्स क्यू, फाइव टू ज़र टेन इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस एक्स क्यू। अब ये माइनस थ्री इक्वेशन के इस साइड पे आके ऐड किया जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो थर्टीन इज इक्वल टू एक्स क्यू, हैंस हमें क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इस फार्मूला के थ्रू मिड पॉइंट किस तरह निकला था उसके थ्रू हमें फाइनली मिल गया। नेक्स्ट अब वाई कोऑर्डिनेट हमें चूंकि फाइंड करना है तो मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यानी एट कैसे मिला होगा जब ये सिक्स और यहाँ से वाई क्यू ऐड हुए होंगे और डिवाइड किया होगा टू से, यानी यहाँ पे आपके पास एट इक्वल आ जाएगा, एट इज इक्वल टू सिक्स प्लस वाई क्यू बाय टू, सिक्स प्लस वाई क्यू बाय टू। अब टू और एट आके मल्टीप्लाई होंगे और सिक्स प्लस वाई क्यू, एट टू ज़ा सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्स प्लस वाई क्यू। अब सिक्स इधर आके सब्ट्रैक्ट किया जाएगा वाई क्यू, तो टेन इज इक्वल टू वाई क्यू, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट हमें दोनों मिल गए हैं, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू जो पॉइंट था जिसको हमने एक्स क्यू कॉमा वाई क्यू लिखा था आर, वो अब क्यू क्या आ गया न्यू, एक्स क्यू हमारा 13 आया और वाई क्यू 10, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, ये हमारा आंसर आ गया।